नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ रजा कार मूवी के ट्रेलर के बारे में, जो हिंदी में भी इवन आया हुआ है। वेल, इसका जो टैगलाइन है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, साइलेंट जीनोसाइड ऑफ हैदराबाद। वेल, हमने ऐसे काफ़ी सारे मूवीज इससे पहले देखे हैं। हमने देखा था केरला स्टोरी मूवी, कश्मीर फाइल्स मूवी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक टेररिस्ट को लेकर, टेररिज्म को लेकर चीज़ें बताई गई हैं जो अपने हिस्ट्री में हुई हैं कहीं, मतलब जिसमें डिटेलिंग हमें कम मिलती है, हमें ये चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं, बताई गई हैं इन मूवीज़ में, खुल के बात की गई है। तो इसी तरह की एक और मूवी आप इसे मान सकते हैं। एक्चुअली देखिए, पहले मैं इस ट्रेलर पर आने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दूँगा। तो 1947 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1947 से 1948 के पीरियड इस ट्रांजिशन में बहुत सारे दंगे हुए देश में, बहुत कुछ हुआ जो मे बी हो सकता है आज भी हमें पता नहीं। हमने एक मूवी देखा था गदर, तो वहाँ पर आपने छोटा सा जो पार्ट देखा था जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान के साइड से जो ट्रेनें आई थी और यहाँ से जो ट्रेनें गई थी, उसमें जितने भी कत्लेआम हुए थे वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमको बताई गई और बहुत अच्छे से, मतलब चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई कि इस तरह का हुआ था लेकिन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें बताई गई हमको। तो मतलब उस ट्रांजिशन में जो कुछ हुआ उसी पे बेस्ड ये एक मूवी आप मान सकते हो, क्योंकि 1947 के बाद आपको पता होगा अपना भारत देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हैदराबाद हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू का, सब अलग अलग थे, मतलब सारे एकजुट नहीं हुए थे। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सारे राज्यों को एकजुट करके हिंदुस्तान बनाने की जो एक मुहिम की थी, जो उनके प्रयास थे, उनका उसके बेस्ड ये मूवी होने वाला है। तो देखिए, जितने भी राज्य थे वो सब एकजुट हो रहे थे, लेकिन हैदराबाद चाहता था वो इंडिपेंडेंट बना रहे। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रेलर पे आ जाता हूँ, उसके बाद की स्टोरी मैं आगे कवर करूँगा। ट्रेलर में जैसा कि हम देखते हैं, ट्रेलर की लेंथ हम देखें तो 2 मिनट 59 सेकंड का ट्रेलर है, जो काफ़ी एक अच्छा है, मतलब अच्छे से स्टोरी को वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रेलर का, जैसे स्टार्ट होता है हमें एक आर्मी दिखाई जाती है, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो पीरियड भी दिखाया जाता है। जितने भी ट्रेलर में प्लॉट्स और सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे से 1947-1948 के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्लॉट लिया गया है, काफ़ी अच्छे से सारे शूटिंग जो लोकेशंस हैं अच्छी यहाँ पर सिलेक्ट की गई हैं। बात करते हैं मूवी के सीन्स की, तो पहले सीन में आप देखेंगे तो आपको दिखाया जाता है हैदराबाद के जो निज़ाम है वो दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक आर्मी है, आर्मी देखिए, रजाकर जो नाम है ना वहीं से आया है। रजाकर एक्चुअली आर्मी हुआ करती थी, एक वॉलंटियर फोर्स हुआ करती थी जो हैदराबाद की नेशनलिस्ट पार्टी के अंडर काम करती थी, उनके निज़ाम के अंडर काम करती थी। तो ये उसी के बारे में है। यहाँ पर देखिए बार बार सीन में एक ही चीज़ आप देखेंगे रिपीट हो रही है, जो आर्मी है, जो ये आर्मी है, जो ये खाकी वर्दी के लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हैदराबाद के जो हिंदू हैं, जो हैदराबाद के लोग हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। शुरू के जब आप देखेंगे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आई थिंक सारी चीज़ें मतलब वही हैं कि वो कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, और कहीं कहीं पर ऐसे डायलॉग्स भी हैं जो भाई काफ़ी डिस्टर्बिंग है, ऐसे सीन्स भी है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, इसलिए बच्चे इस मूवी को, इस ट्रेलर को ना देखें। दूसरा पार्ट आप देखेंगे ट्रेलर का जो शायद 1.5 मिनट के बाद लास्ट के मिनट में कवर होता है, वहाँ पर जो सारे हिंदू हैं वो एकजुट हो रहे हैं और इस आर्मी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है, मैंने इसका एक्चुअली पूरा रिसर्च किया तो ऐसा हुआ है, लेकिन किस लेवल पर कहाँ तक है वो मैं नहीं कह सकता कि इस मूवी में जो दिखाया है क्या उतना ही था या उससे भी कुछ ज़्यादा था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि उस समय का जो हिस्ट्री का पीरियड था बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हिडन है, जो अभी भी हमें पता नहीं है। तो हो सकता है ये उससे भी बड़े लेवल पे हुआ हो, लेकिन मूवी में उसकी थोड़ी सी झलकी दिखाई जा रही है। वेल, आपको हिस्ट्री की बताऊँ तो इसके बाद में ना ये सारी चीज़ें, मतलब जो आर्मी है वो बैन कर दी गई थी, हटा दी गई थी, और 1948 में जो ये निज़ाम थे, आई थिंक कासिम रिजवी नाम था, तो निज़ाम को भी जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद में उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए
अलाउ कर दिया गया था। तो ये हिस्ट्री में यहाँ तक मैंने विकिपीडिया पर सर्च किया तो वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन दोस्तों देखिए, इस मूवी की बात करें, इस ट्रेलर पे आते हैं तो ट्रेलर में सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दिखाई जा रही। बीच बीच में मूवी का जो स्क्रीन प्ले, मुझे काफ़ी टाइट फील हो रहा है, मतलब कि मूवी सस्पेंस भी कैरी करेगी आपको, थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी करेगी और आपको उस पीरियड में भी ले जाने की ताकत रखती है। ये मूवी आपको उस पीरियड में भी ले जाएगी और आपको फील करा पाएगी कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते, आप किस परेशानी से आप अपने आप किस परेशानी में पाते। उसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देश का क्या होता। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मूवी बताएगी और ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेरी तरफ से इसे रेटिंग रहेगा 10 में से 9 ट्रेलर को देखते हुए, बाकी चीज़ें मैं आपको मूवी आने के बाद बताऊँगा। आई थिंक 1 मार्च को मूवी रिलीज होने वाली है, वेट रहेगा मूवी आने के बाद, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।